हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक्सेल में किसी भी नंबर को पैटर्न में कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या कर मैंने यहाँ पर एक्सेल ओपन कर रखा है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी वन, और फिर मैं क्या करूंगी डाउन एरो से फिर मतलब मैं डाउन एरो प्रेस करके अप एरो की प्रेस कर दूंगी। मतलब मुझे ये वन चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे वन लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगी, ऑल टच प्रेस करूंगी, रिबन प्रॉपर्टी पेज उस पर जाऊंगी, फिल वाले ऑप्शन पे टैप टैप से डाउन एरो से सीरीज पर एंटर करूंगी। लेफ्ट ऑफ द क्रॉस सीरीज ऑल्ट ए सीरीज डायलॉग स्टेप वैल्यू एडिट ऑल्ट प्लस एस1। अब इसमें हमने क्या लिखना है, स्टेप वैल्यू में वन की हमें कितने स्टेप का चाहिए। मैंने वहां पे वन लिखा है तो यहाँ पे वन खुद से लिखा हुआ आ गया है। तो मैं अब टैप प्रेस करूंगी और स्टेप सॉरी स्टॉप वैल्यू में हो जाएगा 20। अब मैं क्या करूंगी टैप से सीरीज डायलॉग ओके बट कैंसिल द रो रेडियो बटन चेक टॉप। मैंने रो सेलेक्ट कर रखा है, टैप से मेरे को रो सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं क्या करूंगी टैप से ओके पे एंटर कर दूंगी। ट्रेंड चेक ओके बटन Microsoft Excel Book 1 Sheet 1 Table 101 2B1 3C1 आप देख सकते हैं मेरा पैटर्न आ गया है। IB1, 6F1. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।